सैलिवन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने होंडा अमेज, ये इसका टॉप मॉडल है, मतलब कि VX। और इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये गाड़ी आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है 8.98 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। और ऑन रोड कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं 10 लाख के आसपास ही आपको मिल जाएगी। और अभी फिलहाल दिवाली आने वाली है, तो सिर्फ इसी गाड़ी पे नहीं, हर ब्रांड अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से अच्छे डिस्काउंट आपको ऑफर कर रही है। तो अगर आप कम बजट में इसका टॉप मॉडल लेना चाह रहे हो तो अब इस दिवाली सीजन में आप प्लान कर सकते हो। तो क्या पता आपको एक अच्छी डील मिल जाए। तो क्या क्या चीज़ इस गाड़ी में मिल जाती है उनकी हम बातचीत करते हैं। पहली चीज़, इस गाड़ी की डायमेंशंस वगैरह जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे मैंने हाँ शो कर दी हैं, और देख लेना क्या लेंथ विड्थ हाइट है। दूसरी चीज़, गाड़ी की चाबियाँ किस तरीके की आती हैं, तो जी ये देख लो, कुछ इस तरीके के यहाँ पे की फॉब्स आते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं वो हैंडल्स को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो बूट इसका खुल जाएगा। और इस फ्रेम के अंदर जो ये क्रोम का फ्रेम आप देख पा रहे हो, इसके अंदर मिलती है इसकी मेटल की, और यहाँ पीछे होंडा का लोगो है। सेम चाबियाँ मिलती हैं दोनों, सेम कंट्रोल्स के साथ। इनको अभी रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट में क्या चीज़ें आती हैं उनकी बात करते हैं। डायमेंशंस आपको बता दी मैंने, देखने में देखो मतलब चीज़ें ठीक ठाक हैं गाड़ी को लेकर, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से कुछ अपडेट हुआ नहीं है इसके अंदर, बट आज भी मतलब एक बहुत सिंपल सोबर सी डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है। काफ़ी बॉक्सी सी प्रोफाइल लगती है, मतलब आगे से जिस तरीके से, पीछे से जिस तरीके से, तो बढ़िया लगती हैं चीज़ें। अगर आपको एक सिंपल सोबर प्रोडक्ट अच्छे दाम पर चाहिए तो आप आज भी इसकी तरफ जा सकते हो। रिलायबल प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो चीज़ एक है। बाकी फ्रंट से बातचीत करें तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोजेक्टर यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। ये आपको व्हाइट लाइट ऑफर करेगी, DRLs आते हैं प्रॉपर, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है, LED व्हाइट लाइट आपको फॉग लैंप्स में भी मिलती है। तो LED बेस्ड फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। क्रोम के ये स्ट्रिप्स हैं, काफ़ी स्पोर्टी सा बम्पर है, क्रोम का पूरा ट्रीटमेंट है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बार मिलता है क्रोम का, बेसिकली ये स्ट्रिप्स वगैरह मिल जाती हैं। होंडा का लोगो, नंबर प्लेट आएगी यहाँ पे, और अच्छा खासा एरिया इस गाड़ी को मिल जाता है एयर इंटेक के लिए। तो ये है सामने की बातचीत, एकदम काफ़ी स्ट्रेट सा बोनट है, बढ़िया है, इसके ऊपर ये लाइन्स वगैरह हैं। साइड में आते हैं तो साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, बेसिकली मशीन कट अलॉयज हैं। MRF के टायर्स हैं, टायर सेक्शन जो है इनका वो आपको मिलता है 175/65 R15 15 इंच का कुछ ऐसा है। यहाँ पे मशीन कट अलॉय, यहाँ पे आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी 170mm की, बहुत बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस है इस तरीके की गाड़ी के लिए। तो नंबर्स में भी मतलब ओके ओके लगती है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो ये ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको परेशान नहीं होने देगी। ये फेंडर वगैरह सब क्लीन है क्योंकि टॉप मॉडल है। तो इंडिकेटर्स वगैरह जो है वो सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, बॉडी ग्लाइड ORBMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे है, ये पिलर जो है मैट ब्लैक आते हैं, प्लेन ग्लासेस हैं, रूफ रिल्स वगैरह जो हैं वो नहीं आती हैं। और ये कुछ इस तरीके से दिखती है पीछे की साइड से, पीछे से तो देखो आज भी मुझे मस्त लगती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शार्फिन एंटीना है, यहाँ पे डिफॉगर है, स्टॉप लैम्प है, और पीछे की साइड आते हैं तो यहाँ पे LED टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं जो कि रात के टाइम में बहुत बढ़िया सी मतलब एक मैट फिनिश में जलते हैं और अच्छे लगते हैं। IVTEC जो इसके इंजन को डिनोट करती है बैजिंग, जो इनके काफ़ी रिलायबल इंजन्स हैं, बेसिकली अमेज जो गाड़ी का नाम है, होंडा जो ब्रांड का नेम है, यहाँ पे जो वेरिएंट का नाम है वो यहाँ पे नहीं आता है किसी भी गाड़ी के ऊपर। यहाँ पे रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं, क्रोम की एक पूरी स्ट्रिप मिलती है, एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पे है, ट्विंग हुक। बूट की बात करें तो बूट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ चाबी से ही। तो इस बटन को थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रखेंगे, मतलब 2 सेकंड मुश्किल से, तो ये कुछ तरीके से अनलॉक हो जाता है, लगता नहीं है बस ऐसे ही अनलॉक हो जाता है, खोलना भी आपको मैनुअली पड़ेगा। तो ये है, और यहाँ पे 420 लीटर्स की बहुत बढ़िया सी बूट स्पेस आती है। और अभी आपको पता होगा होंडा ने कोलैब किया हुआ है लबेटो के साथ, तो अगर आपको CNG भी चाहिए तो ये अपने बेसिस पे अपना CNG जो है वो इंस्टॉल करा के दे देते हैं होंडा के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, बट यहाँ पे CNG वगैरह जो है वो नहीं है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे स्पेयर व्हील है जो कि MRF का ही है, और टायर सेक्शन जो है वो है 175/65 R15 सेम टायर है, बट ये स्टील व्हील है, और जो चारों टायर्स जो गाड़ी के अंदर फिलहाल लगे हुए हैं वो अपने अलॉयज हैं, बस ये डिफरेंस है। और यहाँ पे बूट लैंप आपको मिल जाता है, ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं अच्छे तरीके से, एक्सपोज नहीं होती हैं। और ये है, और यहाँ पे एक बटन भी आपको मिल जाती है अगर आपको बूट यहाँ से खोलना हो तो, वो तो मैंने आपको चाबी से खोल के दिखा दिया, बट यहाँ पे भी आपको बटन मिल जाती है। अब भी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में कितनी ज़्यादा रिच फील होती है ये गाड़ी और क्यों इसकी तरफ जाना आज भी एक सेंसेबल डिसीजन रहेगा, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। बट आप चीज़ें देखो क्योंकि डिस्काउंट वगैरह लग लगा के ना ये बहुत अच्छी डील बन जाएगी। अगर आपको एज ए लेटेस्ट प्रोडक्ट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई कुछ लेटेस्ट है हमको चाहिए,
तो बहुत अच्छी डील है ये गाड़ी, मतलब रिलायबल है और अच्छे कंफर्ट के साथ है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई कंप्लेंट्स उसके बारे में नहीं है, बस यही है कि थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा फेसलिफ्ट वगैरह आ जाए तो मज़ा सा आ जाएगा। बाकी डोर पैनल्स की बात करें तो बेज एंड ब्लैक का बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे इंटीरियर है, अपना सिल्वर की लाइन है, सिल्वर डोर लिवर, चारों पार विंडोज़ हैं, क्वालिटी में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ड्राइवर साइड विंडो जो है ऑटो मिलती है, डोर्स के लॉक, विंडोज़ के लॉक, ओआरएम्स के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट करने के लिए स्पीकर है, बोतल होल्डर है, सिक्स वे मैनुअल एडजस्टेड ड्राइवर सीट आती है, फैब्रिक सीट्स आती हैं, और आप देखोगे कि 80% जो इंटीरियर है वो बेज ही है इस गाड़ी का, तो उसकी वजह से काफ़ी खुली खुली लगती है ये। यहाँ से भी आप अपना बूट जो है वो खोल सकते हैं, तो तीन तरीके आपको बेसिकली मिलते हैं बूट खोलने के लिए। यहाँ से खुलेगा फ्यूल लिड, यहाँ से खुलेगा बोनट, नीचे तीन पैडल्स हैं, लाइट लेवलिंग डायल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको मिल जाती है, और यहाँ पर स्पेस वगैरह भी है डोर पैनल्स में। अभी इंटीरियर की बात करते हैं, तो इस सीट में बिल्कुल पीछे कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी है, यहाँ पे डेड पैडल भी है बाय द वे आपको बता दूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है, जैसे मैं एक बार ऐसे प्रेस कर देता हूँ, स्टेयरिंग व्हील जो है ये अनलॉक हो जाता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है ये ऑन हो जाती है, और सेकंड टाइम जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे है, एनालॉग डायल्स आते हैं, 8000 तक की आरपीएम है, 180 की टॉप स्पीड मार्किंग दी गई है, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन गाड़ी से रिलेटेड वो सब आपको मिलेंगे, लाइक टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, क्या इकनो में निकाल के दे रही है, और ट्रिप ए ट्रिप भी वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और यही है बस बेसिक सी सारी चीज़ें हैं। ये आपको सेट करनी हो तो इसके लिए ये स्टिक आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको ऑफर हो जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे लेदर रैपिंग नहीं है, बाकी जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिल जाती है, मतलब कि यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स प्रॉपर है, और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो वो चीज़ एक बढ़िया है। SRS एयरबैग यहाँ पे मेंशन है, सिल्वर स्ट्रिप वगैरह है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टिल्ट का ही ऑप्शन सिर्फ आपको मिलेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ें यहाँ की हैं। ऊपर से देखो तो पूरा बेज में है, पूरा का पूरा हेडलाइनर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट देता है ओवरऑल इंटीरियर थीम को, जो कि मुझे तो अच्छी लगी भाई। देखो काफ़ी खुली खुली लगती है गाड़ी इस लाइट शेड की वजह से, कोई भी गाड़ी हो जिसमें थोड़ा सा लाइट शेड एक्स्ट्रा यूज़ किया हो कंपनी ने, काफ़ी खुली खुली लगती है गाड़ी। तो ये अपने अपने ओपिनियंस होते हैं कि किसी को ब्लैक इंटीरियर ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी को बेज इंटीरियर ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी को कॉम्बिनेशन दोनों का काफ़ी पसंद है। आप किन में से हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है, यहाँ पे येलो लाइट्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे अपना क्या कहते हैं मैनुअल डिमिंग IRVM है, और यहाँ पे कोई टिकट होल्डर वगैरह जो है वो नहीं है। डैशबोर्ड की बात करें तो सिंपल सोबर सारी चीज़ें हैं, मैं कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल सोबर हैं, बट जितनी आपके काम की चीज़ें वो सब यहाँ पे हैं। यहाँ पे AC वेंट्स हैं, हेजालाइट की बटन है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है, फिजिकल ऑप्शन बटन मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक AC आता है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक साइड एक 12 चार्जिंग सॉकेट है, एक 1.5 USB पोर्ट ये है, और एक 1 का पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। थोड़ी स्पेस यहाँ पे है, कप होल्डर्स, 5-speed का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा जो कि कनेक्ट होता है एक बहुत लेवल इंजन से, और यहाँ पे हैंड ब्रेक ब्लैक टिप के साथ, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो डिसेंट सा अमाउंट आपको यहाँ पे भी ऑफर हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ से कुछ रह जाए या फिर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लेना कॉमेंट्स में, और अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पर, पीछे क्या स्पेस है, कम्फर्ट कैसा है, कंट्रोल्स क्या मिलते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ से कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। तो अभी चले गाड़ी की रेयर सीट पे, पीछे क्या कंफर्ट है, कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं, और अगर आपको एक बढ़िया पैकेज चाहिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक बढ़िया डील हो सकती है, तो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आज भी इस गाड़ी पे पैसा डाल दो तो उस चीज़ में आपका दिल नहीं दुखेगा बिल्कुल भी। यहाँ की बात करें तो बेज एंड ब्लैक का सेम कॉम्बिनेशन, सिल्वर डोर लिवर, फैब्रिक है, पावर विंडो, स्पीकर, बोतल होल्डर, क्वालिटी टॉप नॉच, स्कप प्लेट्स मिलती हैं जो कि प्लास्टिक की। अगेन यहाँ की बात करें तो स्पेस में तो सब दिल जीत लेगी आपका ये गाड़ी। 5'9" मेरी हाइट है, ये देखने लायक रूम, ये हाइट मतलब ये आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी आती है, तो आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठी हुई है ये, तो मैं आपको बताना भूल गया ये चीज़ जिसके लिए मैंने की थी ये जी, कि अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है तो भी आप इसका पूरा आनंद ले सकते हो, क्योंकि इसे आप अपनी हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, तो वो है एकदम SUV की तरह बोनेट व्यू आपको लेना, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। स्पेस में कोई कंप्लेंट नहीं है, थाई रूम में कोई कंप्लेंट नहीं है, और यहाँ पे हेड रूम में भी कोई कंप्लेंट्स मुझे नहीं है पर्सनली। पीछे एक साइड एक 12 चार्जिंग सॉकेट है, थोड़ा सा हम जरूर है बट ऑलमोस्ट फ्लैट सी सरफेस है, तो तीन बंदे यहाँ पे बड़े आराम से बैठ सकते हैं, मुझे तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है क्योंकि चौड़ाई भी डिसेंट है। यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे पॉकेट है, आर्म रेस्ट आता है कप होल्डर्स के साथ है, आगे के 2 एडजस्टेड हेड रेस्ट हैं, तो चलो सीट के अंदर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे सीट बेल्ट प्रॉपर हैं, 1, 2, 3, 4 ग्रैब हैंडल्स आते हैं, व्हाइट लाइट नहीं मिलती है, येलो लाइट आपको मिलती है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, येलो लाइट आपको मिलती है बट डेडिकेटेड मिल जाती है पीछे वाली रो के लिए, वो एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे है। तो देखो
प्राइस क्या मिलेगा इस पे आपको, डील क्या मिलेगी वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना निचोड़ लेते हो, ठीक है। बट ये है कि बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है इसके ऊपर, क्योंकि गाड़ी में तो देखो कोई कंप्लेंट्स है नहीं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, फिट एंड फिनिश को लेके हो या फिर इसके इंजन के मामले में कोई कंप्लेंट हो ऐसा कुछ है नहीं। बस ये है कि फेसलिफ्ट वगैरह जैसे मार्केट में मतलब चीज़ें अब ट्रेंडी ज़्यादा हो गई, फटाफट कुछ ना कुछ आता रहना चाहिए मार्केट में नया, जो लोगों को अपने साथ कनेक्टेड सा फील कराता रहे, तो वो चीज़ नहीं है इस गाड़ी के साथ। बस बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट ये आज भी बहुत बढ़िया है और अच्छे तरीके से सेंस बनाता है अगर आप इसका मतलब आपकी पॉकेट के हिसाब से आप इसका कोई ठीक ठाक सा वेरियंट ले लेते हो। बाकी ये है सामने का व्यू। अब इसका इंजन भी आपको दिखा देता हूँ जो इस गाड़ी को आज भी लेने लायक बना देता है, मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो इंजन दिखता कैसा है, पावर फेयर्स क्या है उसकी, उसके हम बातचीत कर लेते हैं। सो बात करें गाड़ी के इंजन बे के बारे में, तो पहली चीज़ यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो आपको नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आपको मिलता है होंडा का आई वी टेक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 88 bhp, 110 nm का टॉर्क, 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है गाड़ी के साथ, जिससे ऑलमोस्ट 18-19 kmpl की माइलेज जो है कंपनी क्लेम कर देती है। बढ़िया, क्योंकि इंजन जो है रिलायबल काफ़ी ज़्यादा है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, काफ़ी रिफाइन तरीके से चलता है। इंजन के मामले में तो एक बड़ा थम्स अप है इसको कि मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आज भी इसकी तरफ जा सकते हो आँख बंद करके। और आपका CNG वगैरह अगर मन करे तो आप CNG भी लगवा सकते हो, और वो सारी चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं कि जिससे आप लगा रहे हो, जैसे मतलब लगवा रहे हो CNG, वो ट्यूनिंग किस तरीके की कर देता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट CNG में बस वो ट्यूनिंग का ही खेल है। अच्छी हो जाती है तो फिर ये मतलब जबरदस्त डील तो क्या बोलूँ, जबरदस्त तरीके से आप मतलब उसको यूज़ करो, रगड़ो कुछ भी करो, आपको दिक्कत नहीं आने देगी। बाकी ये है आपके सामने ट्रस्ट वर्दी 1.2 लीटर का इंजन। अब इसको हम कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से। फिर आपके सामने होंडा अमेज VX मॉडल, टॉप मॉडल है इसका ये, और मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे आपको मिल सकती है अगर आप इसको इस दिवाली अपने घर लेके जाना चाहते हो या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो जिस पे आप बस भरोसा कर लो, क्योंकि आज के टाइम में रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ये गाड़ियाँ मतलब बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करती हैं, और रिलायबिलिटी के मामले में ये आपको एक प्लस पॉइंट हमेशा दे के रखती हैं। क्या ख्याल है इसके बारे में मुझे बताना कमेंट में, आपके क्या ओपिनियंस हैं, कोई ओन करता था एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी के साथ, और जितनी भी चीज़ें हैं प्रो एंड कॉन्स आप शेयर कर सकते हो। बाकी थोड़ी मतलब फेसलिफ्ट वगैरह की डिमांड तो है क्योंकि कस्टमर बहुत हैं होंडा के, बस ये है कि प्रोडक्ट नहीं है उनके पास, तो ये एक चीज़ है। बाकी वीडियो चले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।